के दोगुना एक काम करो। हो सके दोगुना एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके इसको तेज कर दीजिएगा। एंड अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, 10 के बाद विद साहिर और आज का शो अगेन। हमारी शादी वीक की तैयारी है और ये सब कुछ जो आपको नजर आ रहा है बहुत हसीन लग रहा है, मुझे भी बहुत हसीन लग रहा है। इट्स वेरी डिफरेंट, ब्यूटिफुल। और मेरे पास ये सीगल्स है, बदले बदले, ये काटते तो नहीं है ना? आई हैव नो आइडिया, काटते हैं कि नहीं काटते? काटते नहीं है ना? आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, आज it's a different show क्योंकि आज मेरे पास शौकत अली साहब मेहमान है। जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला, ठंडा कभी के हंस बोल में। There are so many things and one song that I've specially requested to him. He's going to be here. बहुत सारे और लोग हैं जो आपको बताएंगे कि आज शो में होने क्या वाला है। साथ साथ कुछ हमारे पास मॉडल ड्रेसेस भी हैं, ब्राइडल ड्रेसेस हैं, जो हम आपको यहाँ दिखाएंगे भी। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है, आराम से बैठना है, चाय शाय बनानी है, नाश्ता वाश्ता बनाना है, अपने हस्बैंड को फोन करना है, उनको SMS करना है, उनको ये बताना है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, और अपने दोस्तों को बताना है कि उन्होंने 10 के बाद वो चाहे देखना है। और साथ साथ अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं किसी को यहाँ हमारे इस शादी वीक में, तो क्या करेंगे? सिंपली एक काम करना है, हमें कॉल कीजिए 0342-207-5142 नंबर होगा, या फिर DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए, इसके बाद 436 पे भेज दीजिए। Morning, Assalamu alaikum. My name is Sahil Lodhi. You're watching this ke baad with Sahir. It's a bright, beautiful, wonderful blue morning actually. Aur pata nahi kaun sa color hai ye, but it's a navy sort of blue sort of पता नहीं कौन सा कलर है, बट अभी अभी मुझे कानों के अंदर कुछ बातें हो रही हैं जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ये मेरे कान में लगी होती है आई भी,
कहा सेम सेम कलर है तो क्या करें, हमने एक दूसरे को फोन किया था आने से पहले आज की, तुम क्या पहन रही हो? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये पहन रही हूँ, तो उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा फिर मैं भी यही पहन लेता हूँ। सो क्या किया जाए? वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स से हेलो टू मिसेस मुमताज कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये सुबह आपकी कैसी? अच्छी सुबह है ना? बहुत अच्छी, फर्स्ट क्लास सुबह है ना? बहुत अच्छी, कोई मसला तो नहीं है ना? एकदम एनर्जी से भरपूर। नहीं नहीं, जब आपको देख लेती हूँ तो मसला कोई नहीं रहता। गुड गुड गुड। एंड ऑफ कोर्स लेट्स से हेलो टू डॉक्टर फौजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह हुआ क्या वैसे? बस ये होते हैं हसीन इत्तफाकात। कौन से जी? हसीन इत्तफाकात। देखिए डॉक्टर साहब, ये आपके लिए हसीन था, मेरे लिए नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो वैसे कह रही थी। कोई बात नहीं, इत्तफाक तो है ना। हाँ, हाँ, अब हसीन में खुद बना लूंगा। आपके लिए कैसा भी हो, मैं अपने लिए अपना काम खुद ही करता हूँ। क्या अप्रोच है? पाकिस्तानी लोग हैं हम लोग, खुद ही रास्ते बनाते हैं। लेडीज़ एंड लेट्स से हेलो टू समवन दैट आई रिस्पेक्ट, आई लव, आई एडमायर। You love him, millions and millions and millions and millions and millions of people love him. Let's say hello to Shaukat Ali Saab. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kaise hain aap? Jaa, badi dua. Badi mohabbat. Sir, bolne se pehle aaj maine decide kiya tha ki main aapse sununga kadi te hans bolve. Hum kar sakte hain na? Isse acha aapko isme bolna nahi, aapke paas mic laga hua hai. Aur mujhe aapki jo kadhai hai na kurte pe, ye bahut pasand aa rahi hai. Beautiful. Bahut mujhe aap सारे के सारे पसंद है। सही बात है, खूबसूरत आदमी है। और ये जो ब्लू कलर पहनते हैं ये बड़े पसंद है मेरे सामने जो है। हाँ सही बात है, सही बात है। उन्होंने एक्चुअली सेव किया है इस वक्त, कवर ड्राइव मार के ना वो कैच हो रहा था तो उसके बाद वो ड्रॉप हो गया है, और ड्रॉप होने के फौरन बाद कहा कि देखिए मेरे सामने, मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है, वो जो सामने बैठे हैं। चलिए मैसेज रिसीव हो गया। हाँ जी, मैसेज हो गया ना रिसीव। मेरा क्या काम है, मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, आप लोग प्लीज बैठे जी, कदी ते हंस बोल रहे, कदी ते हंस बोल रहे। और मैं आज आपसे पहली मोहब्बत के बारे में पूछूंगा, आपकी पहली मोहब्बत। आज जो शो है ना वो ऐसा शो होगा, तुम लोग बातें करना छोड़ दो, हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, बातें करना छोड़ दे। अच्छा अच्छा, उनको ये बता रहे हो? हाँ। पता नहीं, हम इतना ज्यादा जहीन लोग नहीं है। लाइव शो में अक्सर ऐसा हो जाता, हमें नहीं पता ना हमारा डीजल जल रहा है, लाइटें चल रही है। कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे। आ चेती कर आवे ओ मुक्ति ने सावे, ए दिल गे सुख बोल दे ना जिंद साडी रोल, सुख बोल दे ना जिंद साडी रोल दे।
मेरी मन्नत कबूल हो गई। अशोक तैयार वे, अशोक तैयार वे, ओ दिलो न बसार वे, तू आजा अडोल वे, न दिल सब बोल वे, तू आजा अडोल वे, दिल सब रो वे, कदी ते हस बोल वे, जिंद सभी रोल रे, हाय न जिंद सभी रोल रे, ओ न जिंद सभी रोल रे, न जिंद सभी क्या बात है। अच्छा मैंने सांपों को मस्त होते हुए देखा था। ये जो मैं और बगले थे हम आवाज बोल के लब आजाद है तेरे। वाह क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। आपसे कुछ कहा है उसने? क्या, किसने कुछ कहा है? बगलों ने। अच्छा मुझसे बगले ही कहते हैं, आपसे बराबर वाले लोग कहते हैं। सही सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, आज तो सब कुछ होगा। अच्छा मैं इससे पहले कि हम लोग ब्रेक पे जाएं, आज का शो ऐसा ही है भाई, आज आप कुछ मत कीजिए, आज का शो देखो मुझे शो करने दो, वरना हम लोगों को 12 बजे के बाद भूख लग जाती है। सोच लो, तुम डिसाइड करो क्या करना है। अच्छा तो मैं आपसे एक गाना सुनना चाहता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। कोको कोरीना। शौकत अली साहब जब कोको कोरीना गाएंगे तो कैसे गाएंगे? तो फिर क्या होगा? तो रुश्दी भाई नाराज हो जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात वो। अच्छा वैसे एक बात है, मैं जिन लोगों के गाने गाता हूँ वो मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं? मैं अर्ज करूँ, कुछ बिगाड़ते हैं, नहीं बिगाड़ते। रुश्दी भाई का जिक्र हुआ तो मुझे याद है, जिंदगी में सबसे पहली मरतबा हेडफोन लगा के जब हमने फिल्म में गाना गाया मैंने रुश्दी साहब के साथ, तो उन्होंने बताया कि ये माइक है और ये एक फीता है, इधर उधर नहीं देखो, सेंटर में देखो। तो इस लिहाज से मेरे लिए वो इंतहाई मोहतरम है, मैं सल्यूट करता हूँ। क्या बात है सर, कोको कोरीना वो आप शुरू कीजिए ना। नहीं नहीं सर छोड़ दें, हम इस वक्त बच्चों कोई भी। अच्छा एक काम करते हैं, जब तक एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शौकत अली साहब गाएंगे कोको कोरीना। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक आज तो बस, और मैंने आपको तो पता नहीं मैंने कौन कौन से गाने की फरमाइश करनी है। एक गाना है जो मैडम नूर जहां का मुझे याद है, और वो गाना ही बहुत अजीब है। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैंने वादा किया है इसलिए वो तो होगा। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मैडम नूरजहां
बहुत बड़ा नाम है. बहुत सुभान अल्लाह. उनसे बड़ा नाम गायकी में बहुत कम आता है. बहुत कम. मैडम ने बहुत सारे बहुत खूबसूरत गाने गाए हैं. एक गाना था उनका, तू माई छैला ते मैं तेरी लैला, तेरी मेरी जोड़ी बड़ी टिच रहेगी. हाँ. अगर हो जाए तो. नहीं आप उन्होंने याद है आपको, तू माई छैला ते मैं तेरी लैला. मैडम का गाय बगैर हम कहीं जाएंगे नहीं. वे सोने दया कंगना, वे सोने दया कंगना, सौदा हो गया. एक फिल्म बनी अच्छू 302. अच्छू 302 उसमें मैडम जी ने गीत गाया था. ओ क्यों दूर दूर रहते हो, दूर दूर के नाम दसते हो होया की कसूर मेरे कोला. क्यों दूर दूर रहते हो, दूर मेरे कोलो मैं दसते होया की कसूर मेरे कोला. दसते होया की कसूर मेरे. अब नाजिया हसन. नाजिया हसन का एक गाना था डिस्को दीवाने, और एक गाना था डम डम डीरी डम डम, और एक था बूम बूम. एक टेलीफोन भी था. एक टेलीफोन. आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए. आहा बात बन जाए. और उसने कहा था मैं इंसान हूँ फरिश्ता. अच्छा हम सबसे ज्यादा औरत तुम में रहती है ना. अचानक से बेदार हो जाती है, पता नहीं कहाँ से करवट बदल गए. सुला क्या करो सुबह सुबह, तुम्हारे हस्बैंड काम पे नहीं जाते क्या. एनीवे कमिंग बैक टू शौकत अली साहब, ये सब मजाक की बातें हैं. ये ऐसे लोग हैं जिनको मैं इसलिए याद कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरे दिल में आ रहा है कि अगर वो लोग आज होते हम सेलिब्रेट करते तो ये शामें हम उनके साथ, ये सुबह हम उनके साथ भी तो मनाते ना. वो लोग भी तो यहाँ आते ना. बहुत बड़ी फनकार थी नाजिया. नाजिया और मैडम ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नाम दिया यार. सहर मैं इनकी बच्चे की शादी में गई थी, इत्तेफाक के नूर जहाँ की, ये इनकी बेटी की पहली बेटी की शादी मेरे पास से हुई थी. तो इन्होंने मुझे इन्वाइट किया था लाहौर में, तो मैं गई थी. वो मतलब खाली गाती नहीं थी मगर मिजाज की बड़ी एक्सीलेंट थी. वो थे इजाज दुरानी थे उनके हस्बैंड दोनों, और बड़ा मजा आया उस शादी में. जिधर मैं जा रही थी सब कह रहे हमें भी ले चलो हमें भी ले चलो, और उधर मुझे तमाम
फिल्म स्टार जेबा मोहम्मद अली सब मिले उस शादी में। अच्छा पहले के लोगों में जो रख रखाव था जो बातें थी वो अब निकल चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इट्स अ मॉर्निंग शो सो आई लव डूइंग दिस मॉर्निंग शो, लेकिन जब मैं लेट नाइट शो करता था और लाहौर में था तो मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, पुराने लोगों से मुलाकात की, तो जितना लुत्फ मुझे मेरे जो नए आर्टिस्ट हैं, मेरे साथ वाले जो काम करने वाले लोग हैं, दे आर ऑल वेरी गुड, लेकिन जब मैं पुराने लोगों से मिलता हूँ तो मुझे बेतहाशा खुशी होती है, हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीख रहा होता है इंसान। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी है, फनकार अगर आजिज नहीं है ना तो फिर फनकार नहीं। ब्यूटीफुल। और ये हम आप शौकत अली साहब को देख लीजिए, आप कहाँ पहुंच नहीं सकते, हम उस मकाम पे नहीं पहुंच सकते, सोच नहीं सकते जो शोहरत हैं, जो लोग जो कुछ इन्होंने देखा है, और उसके बाद इतने सर, आई सल्यूट यू सर, अल्लाह एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर शुरू करते हैं। अब की बार हम अलीशा चनोय के गाने से शुरू करेंगे। छोटा सा ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा महंगाई से कौन कौन मुतासर हुआ? मैं तो हूँ, आप लोग भी हो। हमारे एक दोस्त हैं जलीसी, तो उन्होंने ये नज्म हमें लिख के भेजी है, अगर आप लोग इजाजत दें। महंगाई की नज्म है और आप लोग वाह वाह कर सकते हैं, अगर आप लोगों को बहुत अच्छी लगे तो वाह वाह जरूर कीजिएगा। अर्ज किया है लेने क्या, ये एक शोहर का शोहर की फरियाद है अपनी बीवी से, जो हमेशा हर रोज पूछती है कि हमारे सेविंग्स कितनी है, तो उसका जवाब है, उस सवाल का जवाब है, कहते हैं कि लेने क्या मैं जाऊं बाजार, 80 के हैं अंडे 4। लेने क्या मैं जाऊं बाजार, 80 के हैं अंडे 4, दाल बराबर मुर्गी पहुंची, 10 का मिलता नहीं अचार। लेने क्या मैं जाऊं बाजार, अदरक लहसुन और टमाटर देख के उनको हुआ बुखार, आलू बैंगन हंसकर बोले हम बेहद महंगे सरकार, लेने क्या मैं जाऊं बाजार। भिंडी की जो कीमत पूछी आंखें हो गईं 2 से 4। टिंडे का जो रेट बताया चल गई 2 धारी तलवार, लेने क्या मैं जाऊं बाजार। क्या है ना, अच्छा जी ये क्या है, प्याज क्या है, धनिया, ये धनिया लिखा है, वेरी नाइस, धंधा लिखा है, अश्वर आई एम किडिंग। अच्छा प्याज और धनिया ऐसे हो गए, एक अनार वो भी बीमार, लेने क्या मैं जाऊं बाजार, सब्जी वाला हंसकर बोला प्यारे बंद है आज उधार, लेने क्या मैं जाऊं बाजार, 80 के हैं अंडे 4। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। मैं, मेरी आंखों में आंसू है, क्यों आप ताली बजा रहे हैं, इतनी महंगाई है फिर हंसने, लेकिन क्या करें ना, क्या करें, कम से कम ताली, मैं भी खुश हो जाता, सब्जी ना सही तालियां सही, हाँ सब्जी ना सही तालियां सही, उसमें तो हमारा कोई खर्च नहीं हो रहा, उसमें तो कोई महंगाई नहीं है ना, नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल। अच्छा फिर हमारे यहाँ आबादी में इतनी तेजी से इजाफा क्यों हो रहा है, अगर हम रियलाइज करते हैं, आई एम जस्ट बीइंग वेरी सीरियस, अगर हम ये रियलाइज करते हैं कि बहुत महंगाई है, वसाइल कम है, तो आबादी में इतनी तेजी से इजाफा क्यों हो रहा है, लोगों ने तो बच्चे कम पैदा करने शुरू कर दिए, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ कम हो रहे हैं, कम कहाँ किए, पहले हमारे हमारे माँ बाप के 10-10 बच्चे थे, हमारे 2, और अब भी बच्चों के 1-1, 2-2 बच्चे, सॉरी मैं कथकलामी, पहले टाइम बहुत हुआ करता था, अब आजकल जरा सा टाइम कम है, 10-10 एक मैंने इनसे सॉन्ग की रिक्वेस्ट की थी, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट वांटेड टू हियर दैट सॉन्ग, आप मेरे साथ गाएंगे, क्योंकि मुझे लिखा याद भी नहीं है, मैं नहीं, आपने लिखा हुआ है, अच्छा प्लीज, हाँ जी, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले,
होंगे ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या बैक। और आप लोग ये भी करते हैं जी? That's what you guys do as well. इसमें क्या होता है? गिफ्ट जी, गिफ्ट मिठाइयां, गिफ्ट्स वैसे जी, बड़ी की पैकिंग होती है ना? अच्छा, बड़ी की पैकिंग। हाँ, वो कर ले। हम लोग करते हैं बिट जो निकाह पे दिए जाते हैं उसको करते हैं। अब द ट्रेंड इज गिव अवेज, वी पैक दोस आल्सो Wedding decor. बट हमने कहा कि साथ हम जो भी बड़ी वगैरह की चीजें होती हैं या मिठाइयां हैं या बिकॉज No, I'm not yet. I'm about to. Say about in a year. Have you found the girl you're doing? No, it's in the family actually. So we don't. So you, actually, we're not allowed to find the girl. Are you serious? Yeah. It's all in the family. Wow. So Mrs. Yeah.
आपकी तो ये तो खिदमत ले नहीं सकते। मैंने तो सोचा था कि ताहिर आपकी खिदमत लेंगे। बड़ा अच्छा गिफ्ट पार्सल आया जी, और उसके अंदर मेरा ख्याल है चार पांच कुछ चीजें गुलाब जामुन ये थी, और वो इतना खूबसूरत था जिसकी कोई हद नहीं। तो मेरा मियां कहने लगा खोदा पहाड़ निकला चुआ। चार गुलाब जामुन निकली बीच में से। कहने लगे भाई इतना खूबसूरत गिफ्ट, उसके अंदर से चार गुलाब जामुन। आपकी शादी को लोग आजकल करते आपने क्या पहना था वेडिंग पे, आपकी आउटफिट्स क्या थी? ऑफ वाइट एंड पिंक मेरा फर्स्ट डे का था, फर्स्ट डे का था। ओके, एंड डीमे का मेरा ब्राइट पिंक था विद ब्राइट पिंक गोल्ड एंड सिल्वर की। वाओ, और विश्वास। और हस्बैंड ने क्या पहना हुआ था? सूट्स दोनों दिन सूट्स। ही रिफ्यूज्ड टू वेयर शेरवानी। व्हाई? He didn't like it at all. And plus, I guess he was not comfortable with it. So I said, do as you please, because obviously that's one event that you want to be most comfortable in. So he went ahead with silwar kameez and suits. Wow. अमेजिंग यार। एंड जी आपको याद है हस्बैंड ने क्या पहना हुआ था? आज तक याद है। मतलब ये जुमला कुछ थोड़ा सा खतरनाक जुमला है। मतलब क्या क्या? नहीं नहीं माशाल्लाह, ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर ही वोर अ ब्लैक सूट फॉर चर्च। ओके, और फिर जब रिसेप्शन था तो ही वोर अ बोटा एंड अ सैश लाइक अ टक्सीडो। ओ वाओ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा वलीमा रिसेप्शन हमारे यहाँ वलीमे का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, कुछ लोग कर लेते हैं इंस्पायर्ड अगेन बाय द पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ वेडिंग्स, लेकिन जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं जी, जरूरी नहीं। वाओ सर, आपने तो वैसे ही मतलब सादी सलवार कमीज सूट पहना था। मैंने सूट आपसे दुबला था मैं उस दौर में, बड़ा स्मार्ट था। फिर सलवार कमीज घेर ली तो नहीं नहीं, अभी आप माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है। क्या बात है इसमें, क्या बात है। बस कीता पाया, शादी की थी और कीता पाया। तुसी क्या पाया इसमें क्या होता है? मैं क्या शादी बाद वही होता है जो मंजूर है। अगर हम सब इनको एक एडवाइस देना चाहें तो क्या देंगे? शादी नहीं की थी? नहीं अभी नहीं। आप आप प्रोग्राम के बाद मैं तो ये कहूंगी जरूर कीजिए, लेकिन वो ऐसी चीज है कि जो खाए वो भी पछताए ना, जो ना खाए वो ज्यादा पछताए। तो माइट एज वेल गो गेट अ टेस्ट ऑफ इट, लेकिन मेक श्योर कि आप जल्दबाजी से कोई भी काम ना करें, और एक दफा जब आप कमिटमेंट कर लें तो फिर आपको उसको हमेशा के लिए रखना चाहिए। कुछ नॉट ए जोक कि आपने आज ये कपड़े से लाए तो कल दूसरे से ला लिए। इट्स अ कमिटमेंट फॉर अ लाइफ। आपके मुंह से निकली हुई बात पूरी दुनिया देखती है सुनती है। एक ही बीवी है, अल्लाह रखे कदम कदम। अरे आप घबरा क्यों हैं? घर भी जाना कोई बात नहीं। शादी जो है फॉरएवर होनी चाहिए, और सोच समझ के शादी करें बेटे। और अगर कोई कहीं लव भी होता है तो माँ बाप की ब्लेसिंग के साथ जरूर करें, लव जरूर करें। करना है तो भी कर ले। बस एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, देखो ताहिर की बात है, ताहिर तुम एक बात याद रखना, इन सब की बात है। हाँ बिल्कुल, बस बीवी को पता ना चले। अगर बीवी को पता चल गया बिल्कुल। अच्छा जी, तो साहब क्या कहते हैं? रिस्पेक्ट द रिलेशन। बड़ी बड़ी बात है। मेरे ख्याल में तो वेडिंग मैरिज फॉर द राइट रीजन करनी चाहिए। हमारे यहाँ बस जल्दबाजी में कुछ लोग स्टेप्स लेते हैं, they don't stick to the commitments. वो चीज नहीं होनी चाहिए। सोच समझ के परखते हुए इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए। और मैं सिर्फ तुमको एक बात कहता हूँ, कुछ भी है, आई हैव लर्न दिस, लाइफ इज वेरी अनप्रडिक्टेबल। सो कोई भी रिलेशनशिप है आपका, वेदर यूर अ हस्बैंड और अ वाइफ और अ ब्रदर और अ सिस्टर और अ मदर और अ फादर, रिमेंबर दिस, आज जिंदगी है कल नहीं होगी। The things that we get mad about, the things that we worry about, उन सारी चीजों को सोचें, because at the end of the day, once you're gone, the story ends. Yeah. You're gone. Beautiful. So make sure कि आपकी memories बहुत अच्छी हैं, because you know that's what's left, memories about people and relationships. Don't spend time doing bad. Use your time doing good.
There's a lot that you can do. There's a lot that you can do. And never ever lie. झूठ बोलो ही ना किसी भी चीज में. No matter how harsh that is, कि आपके सच से किसी को तकलीफ हो, लेकिन आपके झूठ से किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो. व्हाटएवर इट इज, और सच्ची बात तो यह है कि एक औरत यह डिसाइड करती है, छोड़ के घर आती है, गाड़ी में बैठती है, आपके घर में जाती है, हर चीज उसके लिए बिल्कुल अजनबी होती है, और मर्द उसे 10,000 रीजंस देता है. तुम ऐसी नहीं रही, तुम वैसी नहीं रही, तुम्हारा वेट बढ़ गया, तुम्हारी रंगत खराब हो गई, तुम चिल्लाने लगी हो, तुम चीखने लगी हो, मुझसे बहस करती हो, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं. थिंक अबाउट इट. अगर वो मां है तो 9 महीने वो किसी बच्चे को पेट में रहे, फिर इसके बाद आप उन छोटे छोटे से हाथों को बड़ा होते हुए देखते हैं. आप उन्हें बड़ा नहीं करते, बड़ा वही करती है. एट द एंड ऑफ द डे आप गुड कॉप होते हैं, घर आते हैं, घर आकर उसको गले लगाते हैं, एंड देन द गाय थिंक्स कि मेरा बाप जो है ना वो एक माफूकुल फितरत आदमी है. और माँ चूंकि अवेलेबल होती है, रेडीली अवेलेबल होती है, इसलिए माँ पे नजरें बहुत कम पड़ती हैं. माँ वो पना होती है कि जब तमाम दुनिया आपसे रूठ जाती है तब जाके माँ के गले लगते हैं. ब्यूटीफुल. सो रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट. वी विल टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक. सागर से कभी पानी पिया था बंटी बल्ले बल्ले. बहुत 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 शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑफकोर्स आपने माँ का जिक्र कर दिया. हाँ, तो कुछ मुझे इजाजत है मैं बात करूँ. सर प्लीज. मम्मा जो उन जना दिया जन्नत आपे तो तारा दे. मावा जून जना दिया जन्नत आपे टुर कर आवे. मावा दी सरदारी दो जग जो समझे सो पावे. और सड़ गए लेख में उजड़े दे जिन रोजी वतन छुटावे. अथी टोर के पुत्रा नू शाला माना को ये मर जावे. हुजूर मैं ये गीत लिख के अपनी माँ की नजर करके और मैं अमेरिका गया और मैं सैन फ्रांसिस्को में था तो ख्वाब में देखा. लोगों ने बताया अखबार बड़ा लेट पहुंचता है पाकिस्तान में कि मेरी माँ दुनिया से चली गई. और मैं आपके शो के बताते थे उन अशखास का उन हस्तियों का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने अरेंज किया कि मुझे रोते हुए जहाज में बिठाया. वहाँ पे अपना न्यूयॉर्क में हमारे मेहरबान हैं खलील रहमान साहब रोतनामा जंग के और असलम साहब जो वाशिंगटन वाले हैं उन्होंने मुझे लाहौर भेजा. तो मैं घर उस वक्त माँ रुखसत हो चुकी थी दफना चुके थे. तो वो गीत जो मैंने आखिर में जाते हुए माँ के लिए लिखा और उसको सुनाया था उसके दो बोल आपकी इजाजत. रब मर्दी
जेड़ी लगती है ओ इको शेष जगदी जिदा शायद तू मिठा ना ओनू कही दे यारो मां कामा उड कामा ओ मां जन्नत दा परछामा बहुत 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 शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑफकोर्स आपने माँ का जिक्र कर दिया. हाँ तो मुझे इजाजत है मैं बात करूँ.
सर प्लीज जो जना जी मावा जून जना दिया जन्नत आपे टुरखारा मावा दी सरदारी दो जग जो समझे सो पावे और सड़ गए लेख में उजड़े दे जिन रोजी वतन छुटावे अथी टोर के पुत्रा नू शाला माना कोई मर जावे। हुजूर मैं ये गीत लिख के अपनी माँ की नजर करके और मैं अमेरिका गया और मैं सैन फ्रांसिस्को में था तो ख्वाब में देखा लोगों ने बताया बार बड़ा लेट पहुंचता है पाकिस्तान कि मेरी माँ दुनिया से चली गई और मैं आपके शो की बताते थे उन अशखास का उन हस्तियों का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने अरेंज किया कि मुझे रोते हुए जहाज में बिठाया पे न्यूयॉर्क में हमारे मेहरबान हैं खलील रहमान साहब रोजनामा जंग के और असलम साहब जो वाशिंगटन वाले हैं उन्होंने मुझे लाहौर भेजा तो मैं घर उस वक्त माँ रुखसत हो चुकी थी दफना चुके थे तो वो गीत जो मैंने आखिर में जाते हुए माँ के लिए लिखा और उसको सुनाया था उसके दो बोल आपकी इजाजत से प्लीज रब वर्गी जड़ी लगती है ओ इको शे इस जग दी जिदा शायद तू मिठा ना ओनू कही दे यारो मां कामा उड़ कामा ओ मां जन्नत दा परछावा कामा उड़ कामा ते मां जन्नत दा परछावा रब्बा मेरी मतलब
माए बहुत बड़ी थी। माँ की तरह मैं तुमसे एक बात का वादा लेती हूँ, कभी भी जिंदगी के किसी जगह पर मेरी याद आए तो दो लफ्ज अच्छे कह देना किसी प्रोग्राम में, क्योंकि मैं तो जिंदगी के उस हिस्से में हूँ, पता नहीं कल होती हूँ नहीं होती हूँ, लेकिन दो लफ्ज आप अच्छे जरूर कह दीजिएगा कभी। इनका गाना सुन के बहुत टची हूँ। Now this is how it is. I think मेरे शो की एक खास निशानी होती है, आपको ये नहीं पता होता ये कहाँ जाएगा, किस जगह क्या हो जाए। दादी बन गई हूँ लेकिन अभी भी माँ की जिस वक्त कोई बात होती है तो आंसू रुकते नहीं। इबादत है, इबादत है, आप इबादत कर रहे हैं। I honestly think कि ये ये जो सब कुछ लगता है इसमें जो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो दुल्हन होती है सबकी। एंड सब करो ला दी आपने, सब करो नहीं माँ याद करा दी सबको। मामा ठंडिया चावा। माय मॉम इज स्टिल हियर थैंक गॉड अल्हम्दुलिल्लाह, बट मैं इस वक्त स्ट्रिक्टली अपने दोस्तों से कह रहा हूँ उनकी शादी हो। योर वाइफ्स आर नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी प्रिटी, दे नॉट गोइंग टू लुक एग्जैक्टली द सेम द वे दे डिड ऑन द वेडिंग डे। बट दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया for you doing something wrong. दिल बहुत नाजुक होता है, उसकी हिफाजत कीजिए। आई डू अंडरस्टैंड कि हर औरत माँ नहीं होती, लेकिन हर औरत की माँ होती है, रिमेंबर दैट एंड रिस्पेक्ट दैट। और बीवियों को भी ये बात याद रखनी चाहिए कि मर्द बिल्कुल वैसे नहीं लगेंगे जैसे वो शादी के दिन लगते।